अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारा ऑडिटिंग के वर्कशॉप का डे टू है, जो इससे पहले थर्ड सॉरी 10 सितंबर को हुई थी डे वन, और इसी का ये पार्ट टू है। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम सलीम, जो कि इस ट्रेनिंग को लीड कर रहे होंगे और आपको ऑडिटिंग के बारे में बता रहे होंगे, उसके सारे फैक्ट्स और उसको वो किस तरीके से हम ऑडिटिंग पे काम होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, आई वेलकम यू। वेलकम सलाम मैम अनम एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर एंड फॉर इनवाइटिंग मी फॉर डे टू ऑफ दिस वर्कशॉप ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। और मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी वेलकम देना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। और डे वन भी आई एम श्योर आप लोगों ने अटेंड किया होगा, और अगर आप लोग नहीं अटेंड कर सके किसी भी रीज़न की वजह से तो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और नहीं बाकी चैनल पे, तो उसकी लिंक्स भी आप लोगों को सर्विस सेंटर और नहीं मैनेजमेंट की तरफ से उसकी लिंक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टार्ट है वो इस तरह से करेंगे कि पहले हम डे वन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं ये बताऊं कि अगर हमारी पहली थीम थी ऑन द वर्ल्ड ऑफ ऑडिटिंग, तो आज की थीम होगी द क्रक्स ऑफ ऑडिट, मतलब कि ऑडिट का जो निचोड़ है, ऑडिट बेसिकली किस तरह से किया जाता है, ऑडिट कंक्लूड किस तरह से किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले दिन पे हमने बात की ऑडिट का बैकग्राउंड, ऑडिट की इंपॉर्टेंस और ऑडिट की लीगल इम्प्लीकेशंस जो कि हमारे कंट्री पाकिस्तान में एप्लीकेबल होते हैं विद ऑल द लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस, और हमारे पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पे हमारे अकाउंट्स बनते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISA जिसपे हमारा ऑडिट का सारा बेस बनता है। इसके अलावा एक और हमारी पॉलिसीज होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, ये तीनों बेसिकली IASB का एक बॉडी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये UK बेस्ड है और वहाँ पे ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनती हैं जिसके बेसिस पे इंटरनेशनली आप अपने अकाउंट्स और अपना ऑडिट करते हैं। ठीक है, हमने डे वन की डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम अलसर, जो कि अकाउंटिंग की वर्कशॉप में सर अहमद फराज ने भी उस पर डिस्कस किया था। तो अलसर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ये दिस इज द बैकबोन फॉर योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टैंडर्डाइज चीजें हैं जो कि आपके बेसिकली लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज का मतलब वो होती हैं जो कि आपके स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, और पाकिस्तान में हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें जिन कंपनीज में रजिस्टर्ड है वहाँ पे जो भी शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इसलिए ऑडिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन सब लोगों का पैसा कंपनी में लगा हुआ होता है, तो ये लोग चाहते हैं कि इनको अश्योरिटी मिले, एक रीजनेबल लेवल पे गारंटी मिले कि इस कंपनी में हमारा पैसा डला हुआ है वो सिक्योर्ड है, मतलब कि उनके अकाउंट्स कंपनी के सही तरीके से बने जा रहे हैं। हमने डेली लाइफ की एग्जांपल्स की थी कि ऑडिट आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हो, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस फाइनेंशियल ऑडिट पे है तो इसलिए आज हमारी डिस्कशन फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में ही होगी। फिर हमने ऑडिट फर्म एंड ऑडिट क्लाइंट की डिस्कशन की थी कि ऑडिट फर्म वो कंपनी है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल सर्विसेज इंक्लूड टैक्स अश्योरेंस, अश्योरेंस का दूसरा नाम ऑडिट भी कहते हैं, ऑडिट एंड अश्योरेंस इट्स द सेम थिंग। इसके अलावा होता है आपका IT सर्विसेज, इसके अलावा टैक्स सर्विसेज, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं हर फर्म प्रोवाइड करती है। ऑडिट क्लाइंट वो क्लाइंट होता है जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे होते हैं, इसका मतलब जो EFU जनरल इंश्योरेंस जहाँ पे मैंने अपना मेजॉरिटी पोर्शन स्पेंड किया था ऑडिट का, तो वो होगा ऑडिट क्लाइंट। EFU जनरल इंश्योरेंस हमें अकाउंट्स प्रोवाइड करेंगे और उस अकाउंट्स को जो ऑडिट फर्म है वो ऑडिट करेगा। ऑडिट फर्म मेरी थी KPMG, और इस तरह से दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। और एक क्वेश्चन भी पिछले सेशन में रेज हुआ था कि ये
जो ऑडिट होता है वो आप बाहर से क्यों करवाते हो? तो मैंने उसका उस वक्त यही जवाब दिया था, क्योंकि अगर आप खुद काम करके खुद ही का रिव्यू करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है कि आप वो गलतियां नहीं पकड़ सकोगे, आपको अपनी काम में इतनी गलती नजर नहीं आएगी एज कंपेयर टू अगर कोई थर्ड पर्सन आपका काम चेक करे। तो इसलिए इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सटर्नली किसी थर्ड पर्सन से अपने काम को वेरीफाई करवाते हो। वेरिफिकेशन के बाद सारे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, उसका रिव्यू होता है ऑडिट पार्टनर के साथ, ऑडिट पार्टनर सारी चीज़ों को फाइनलाइज करके अकाउंट्स पे साइन करता है कि ये हमने अकाउंट्स पे सिग्नेचर्स किए हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल। मतलब कि अकाउंट्स इनिशियल होते हैं। अकाउंट्स इनिशियल होने के बाद ये मैं एंड में इसकी छोटी सी डिस्कशन करूंगा, बेसिकली फिर आपके जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो पब्लिश होते हैं फॉर द पब्लिक। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होके कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं। तो पब्लिश आपके अकाउंट्स तभी होते हैं जब ऑडिट खत्म होता है, ठीक है? फिर फ्रॉड एंड ऑडिट का हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, क्योंकि ऑडिट का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम फ्रॉड पकड़ें। फ्रॉड की डोमेन कंप्लीटली डिफरेंट होती है, और अगर हम फ्रॉड पकड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है? और फॉरेंसिक ऑडिट की डोमेन, उसकी प्रोसीजर्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। और फॉरेंसिक क्योंकि लेकिन इसमें ये होता है कि अगर हमें कहीं पे ऐसी अलामत हो कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, तो हम उस फ्रॉड को तो नहीं पकड़ेंगे एज एन ऑडिटर, लेकिन हम अपना काम बढ़ा देंगे, हम अपने सैंपल साइज बढ़ा देंगे, हम अपना जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो इंक्रीज कर देंगे अगर हमें ये डाउट हो कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड हो सकता है। और काफी केसेस में फिर ऑडिट रेजिग्नेशन हो जाती है कि अगर वो उनको लगता है कि ऑडिट फ्रॉड है, कंपनी डाउटफुल है, तो वो कंपनी को ऑडिट रिजाइन भी कर सकती है। फिर हमने अपनी डिस्कशन की थी ऑन रिस्क असेसमेंट एंड मटेरियलिटी, के रिस्क असेसमेंट आप किसी भी क्लाइंट पे जाते हो तो उसकी जो भी बिजनेस रिस्क होते हैं वो आपको असेस करने होते हैं कि कंपनी में किस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज में रिस्क आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसी के बेसिस पे आप एक सैंपल निकालते हो जिसके बेसिस पे आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट परफॉर्म करते हो। क्योंकि करोड़ों की कंपनीज होती हैं, अरबों रुपए की कंपनीज होती हैं, तो आप एक एक रुपये को वेरीफाई नहीं कर सकते। आपको शायद पूरा साल लग जाए लेकिन फिर भी आप लोग वेरीफाई नहीं कर सकोगे। ये भी एक हमारी ऑडिटर की लिमिटेशन होती है कि हम सिर्फ एक रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये ऑडिट की लिमिटेशन होती है। हमें एक सिर्फ रफ आइडिया हो जाता है कि अकाउंट्स किस हद तक सही बने हैं, हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, और ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट में भी इंक्लूड होती है ये चीज। सैम्पलिंग टेक्निक्स भी हमने कल डिस्कस की थी, और उस पर एक चीज मैं उस पर डिस्कस करना भूल गया था। बेसिकली आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स भी होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये कोट करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल एक बहुत वेग टॉपिक मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी से आपकी लाइफ में क्या फायदा हो सकता है, ठीक है ना? अब इसमें बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप इसमें पूरी दुनिया में इंक्लूड कर सकते हैं, आप वेरियस टेक्नोलॉजी के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और इससे इम्प्रूवमेंट में भी पॉजिटिवली भी आप कह सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स भी साथ साथ में होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको और रिफाइन करूँ और मैं ये कहूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए टेक्नोलॉजी कितने फायदेमंद है, तो मैंने अपना रिसर्च को मैंने मॉडिफाई किया, मैंने अपनी सर्च को और रिफाइन किया। इसका मतलब कि मैंने काफी स्पेसिफिक उसको कर दिया। पहले तो मैं पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने ये एग्जांपल दी कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए टेक्नोलॉजी की में क्या आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो ये मैं और स्पेसिफिक हो गया। अब इसमें मैंने सेलेक्ट किया है विजुअली इम्पेयर्ड, ये भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स के लिए टेक्नोलॉजी से आपकी लाइफ किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है, तो मैंने इसमें और स्पेसिफाई कर दिया। अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में असिस्टिव टेक्नोलॉजी आएंगी, आपके स्क्रीन रीडर्स हैं और बहुत सारे आपके असिस्टिव डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जहाँ पे जिक्र आया तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि नई सुबह के असिस्टिव टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है जो कि सर सलमान सुल्तान लीड कर रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी डिवाइसेस हैं जो कि आप लोग उनसे मालूमात भी ले सकते हैं।
मैंने खुद भी अपनी वाइट कैन यहीं से परचेज की थी, और चाहे वो इंडिपेंडेंट लिविंग के बारे में हो, चाहे वो आपके स्कूल लाइफ से रिलेटेड हो, मोबिलिटी के हवाले से हो, तो आप लोग नई सुबह के असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सर सलमान सुल्तान से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो भी हमारे साथ मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव हिम अ वार्म वेलकम। मैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, तो हम और स्पेसिफिक हो गए। इसके बाद मैं और स्पेसिफिक होकर कहता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को भी और रिफाइन करूँ तो मैं कहूँ कि स्कूल में जो बच्चे हों, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पॉपुलेशन को और स्पेसिफिक कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली सैम्पलिंग की टेक्निक होती है कि आप किस तरह से उस इंटायर पॉपुलेशन में से एक स्पेसिफिक लोगों को आप स्ट्रेटिफाई करते हो, बेसिकली कि सेलेक्ट करते हो। तो इसी तरह से ऑडिट में यही चीज़ होती है। इस एग्जाम्पल का मकसद यही है कि आप पूरा के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। रिस्क असेसमेंट इसलिए करते हो क्योंकि आप की रिस्क एरियाज पे ही अपना फोकस ज़्यादातर रखते हो, कि अगर इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी है तो उसमें इंश्योरेंस के क्लेम्स बहुत ज़्यादा आते होंगे। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम हो गया, हेल्थ की वजह से कोई बिल्डिंग में आग लग गई तो ये प्रॉपर्टी फायर में आ जाता है। इसके अलावा आपकी कोई शिप कंटेनर्स हैं तो उसमें मरीन की क्लेम्स आ सकते हैं कि अगर आपका कोई सामान डैमेज हो जाए तो उसके इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में इस तरह के क्लेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मली हमारा फोकस क्लेम्स पे हो रहा होता है कि उसको आपको सही से देखना होता है कि कोई गलत क्लेम तो नहीं आ गया, मतलब कि अनफेयर क्लेम्स भी हो सकते हैं ना, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपना नाम बढ़ाने के लिए ज़्यादा क्लेम्स दिखाए कि भाई मतलब कि बहुत सारे क्लेम्स है। इसी तरह से जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम वो होता है कि हर साल आप अपनी कंपनी, आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है तो आप हर साल उस कंपनी को एक अमाउंट सेट दे रहे होते हो और उसके अगेंस्ट आप सर्विसेज क्लेम कर सकते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज क्लेम्स। तो हो सकता है कि कंपनी अपना नाम बढ़ाने के लिए सेल्स ज्यादा शो करे कि भाई मैंने तो इस दफा बहुत ज्यादा सेल्स दिखाई है। तो इसका मतलब कि ये की रिस्क एरिया है और हम अपने सैंपल को इसी तरह से निकालते हैं ताकि हम की रिस्क एरियाज पे फोकस करें, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन हुई सैंपलिंग के बारे में। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertions पे हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता हो चुकी हैं, और बेसिकली यहाँ पे हैंड रेज किया गया है, तो यहाँ पे हैंड रेज किया गया है तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके सवाल बताइए। जी वालेकुम सलाम। जी मैं तकदीस बात कर रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर हुई ज्वाइन किया है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है और ये जो आपने बताया थोड़ा सा स्टार्ट से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया। बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ रिकैप किया है तकदीस, और जो हमने पहले दिन पे डिस्कशन की थी मैंने वही करी है। नया टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, नया जो टॉपिक है वो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, और अगर आपको वापस से समझना हो तो डे वन की आप जो यूट्यूब लिंक है उससे भी आप वापस कह सकती है ना। मैंने सिर्फ डे वन का रिकैप किया है अभी तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertions के बारे में। मैं आपसे वही बताऊं कि इसमें टर्मिनोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली आपको घबराने की बात नहीं क्योंकि इसको मैं काफ़ी आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे आपके फिगर्स होते हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आपके करंट एसेट्स लाइबिलिटीज हो गई, आपके सेल्स परचेजेस एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें आपकी आती रहती हैं, लेकिन हमें इनकी क्वालिटीज देखनी होती हैं कि assertion को आप एज अ क्वालिटी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक एक assertion लेके उसको मैं डिफाइन करता हूँ। कंप्लीटनेस एज द नेम सजेस्ट, आप लोगों को पता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, मल्टीपल assertions के भी सेम मीनिंग्स होते हैं, लेकिन उसको अलग से मेंशन करना यही है क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होता ही है, ठीक है। कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए।
अब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हेड्स हैं वो कंप्लीट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस आपका है तो 12 महीने साल के होते हैं, तो आप 12 महीने का रेंट एक्सपेंस करोगे, तो ये हमें वेरीफाई करना होता है कि 12 के 12 महीने का रेंट एक्सपेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है। अगर 10 महीने का रिकॉर्ड हुआ है, अगर 11 महीने का रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कम्प्लीट, ठीक है, मतलब के कंप्लीटनेस आपकी इंश्योर नहीं हो रही। ये आप हर चीज में आप वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी सेल्स हो, 12 महीने की आपको सेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किए हैं, इसका मतलब के योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम्प्लीट, आपका ऑडिट नहीं हो सकता, ठीक है। कट ऑफ का मतलब ये होता है दैट द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग में ऑब्वियसली एरर्स होते हैं, मतलब अभी तो काफ़ी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अकाउंटिंग को कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग की एंट्री सब कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मैनुअल एंट्रीज भी करनी होती हैं, तो इससे हमें ये इंश्योर करना होता है कि करेक्ट एक्सपेंस करेक्ट मंथ में रिकॉर्ड हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो मई का रेंट है वो जून में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हालांकि अमाउंट तो सेम है लेकिन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट को आप देखते हो। ऐसा भी नहीं है कि चले मैं दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेल्स हुई हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है, दिसंबर के महीने में आपका मंथ कम्प्लीट होता है, आपका 12 मंथ भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये हमें श्योर करना पड़ता है ऑडिट में कि जो सेल्स है वो अगले साल रिकॉर्ड नहीं हुई हो, मतलब कि दिसंबर की सेल्स दिसंबर में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, जनवरी में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, गलती से हो जाता है, ये हमें चीजें ऑडिट में वेरीफाई करनी होती हैं, ठीक है। कट ऑफ टेस्टिंग इसको कहते हैं, कोई अगर आपने पेमेंट करी है तो वो पेमेंट उसी पीरियड में आनी चाहिए, और अगर अगले महीने में वो पेमेंट है तो वो अगले साल या अगले महीने में वो पेमेंट आनी चाहिए, उसी साल में पेमेंट नहीं आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में इस तरह से आपको बताऊं कि एक कॉन्सेप्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये बताऊं, जैसे आपने कोई ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी, आपने टेबल्स और चेयर्स खरीदी फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी टेबल कुर्सियां हैं, ये होता है आपका फिक्स्ड एसेट, एक साल से ज्यादा इसकी लाइफ होती है और ये आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टेबल कुर्सियां खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टेबल कुर्सियों की मेंटेनेंस करना, कुर्सी आपकी खराब हो तो आप इसको रिपेयर करते हो, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपने इसको एसेट की कॉस्ट में डाल दी, जो आपकी एसेट की अमाउंट है वो आपके बैलेंस शीट में आ रही होगी, और मैंने जो भी चीज पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर एग्जांपल बहुत ही बेसिक से मैं चल रहा हूँ, तो ये आपके एक्सपेंसेस में आने चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस आपका आता है इनकम स्टेटमेंट में, आपका एसेट की कॉस्ट आती है बैलेंस शीट में, तो इस दोनों का बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में आ रहे हो और आपने जो टेबल कुर्सियां खरीदी हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रही है, मतलब इनकम स्टेटमेंट में आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ऑडिट में ये चीज इंश्योर करनी होती है। अकरेंस इज वेरी सिंपल, अकरेंस मतलब कि वो ट्रांजेक्शन अकर हो रही है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो ट्रांजेक्शन अकर हो रही हैं वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल साल में बोनस पे किया एम्प्लॉयज को, ये अकर हुआ ना, ट्रांजेक्शन हुई है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हुई है तो ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी ट्रांजेक्शन हुई हो और वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई हो, ठीक है, मतलब कि अकरेंस इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन अकर होनी चाहिए और उसी ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। एग्जिस्टेंस भी बहुत सिंपल वर्ड है, एग्जिस्टेंस को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, अगर मैं चले मैं घुमा फिर आके एसेट्स की बात कर रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक अकाउंट की बात करूं, ठीक है, अब मैं एग्जिस्टेंस किस तरह से वेरीफाई करूंगा कि बैंक स्टेट आपके जो बैंक अकाउंट है, काफी लिमिटेड कंपनीज होती हैं जैसे EFU जनरल इंश्योरेंस, उसके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, 30-40 तो उनके सिर्फ बैंक अकाउंट्स होते हैं कॉर्पोरेट, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या वाकई में ये बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं है,
वो हम किस तरह से चेक करेंगे कि हम उनकी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, मतलब कि एक ऑडिट प्रोसीजर होता है बैंक कंफर्मेशन, जो कि हम आगे ऑडिट एविडेंस में भी और ऑडिट प्रोसीजर्स में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, हम उस चीज़ की एग्जिस्टेंस वेरीफाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड एसेट्स की, तो हमें कैसे पता कि ये फिक्स्ड एसेट है भी कि नहीं? हो सकता है कि आपके जो मैनेजमेंट है उसने फेक एंट्री बनाई हो कि फेक मतलब कि इक्विपमेंट खरीदी हो, फेक आपकी ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स ये सब इंक्लूड की हुई हो। तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करने का ये भी एक तरीका होता है कि आप उसको फिजिकली जाके देखो कि आपके हाथ में जो इनवॉइस दी जा रही है, कि आपने फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का आपने नया एसी खरीदा है, विच इज अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो चले इनवॉइस तो आ गए, अब हो सकता है ना ये झूठी हो। इसको हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप उसको जाके देख लो फिजिकली कि हाँ दिस एसेट एग्जिस्ट्स इन द कंपनी। तो ये एग्जिस्टेंस की एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स की, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स आपके अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पर्टेन कर रहा होता है, और डिस्क्लोजर्स में बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपकी करंट एसेट्स होते हैं, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं, आपका स्टॉक होता है, उसकी जो सिर्फ फिगर्स होती है ना, सिर्फ फिगर्स, वो आपके बैलेंस स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आती है और आपकी इनकम स्टेटमेंट में आती है। जैसे सेल्स की फिगर है, अगर आप इनकम स्टेटमेंट खोल के भी देखें, इनकम स्टेटमेंट अगर आप खोल के देखें तो उसमें सेल्स की सिर्फ एक अमाउंट आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ईएफयू जनरल की जो सेल्स हैं साल की हैं 22 बिलियन, मतलब 2 अरब की इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी सेल हुई है, ये सिर्फ इसकी फिगर है। अब 2 बिलियन में क्या क्या अमाउंट्स आ रही हैं वो मुझे बताएगा नोट्स। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि जो सामने फिगर्स आ रही होती हैं उसकी डिटेल आती है। जैसे कि अगर मैंने देखा सेल्स सिर्फ 2 बिलियन है, अब मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं मुझे कैसे पता कि 2 बिलियन में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, तो मैं जाऊँगा नोट्स के अंदर। अब मैं जब नोट्स में जाऊँगा, और आप ये चीज़ प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी हो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप डाउनलोड करके देखें, तो आप यही करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ सेल्स की फिगर आ रही है, लेकिन अगर मैं नोट्स में जाऊं तो मुझे बताएगा कि 2 अरब रुपए में से 1 अरब, जैसे आपकी फायर की पॉलिसीज हो, जैसे फायर की जो जैसे टेररिज्म स्पेंड जोड़ा जाता है, जैसे बिल्डिंग में आग लगी तो उसकी जो पॉलिसीज है बिल्डिंग्स की वो इतनी आ रही होंगी, फिर एक आपकी अमाउंट होगी हेल्थ इंश्योरेंस की होगी, एक आपकी अमाउंट होगी मोटर पॉलिसीज की होगी, एक आपकी अमाउंट होगी मिसलेनियस पॉलिसीज की, इस तरह से एक आपकी पॉलिसी होगी मरीन की, बेसिकली जो आपके कंटेनर्स आपके शिपमेंट होते हैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग अलग दिखा रहे होंगे। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि 2 अरब में से इन सारी चीज़ों की डिटेल आ रही होती है, और उस सब को टोटल करके आपका फाइनल अमाउंट आ रहा होता है। एक हैंड रेज किया गया है, तो काइंडली अपना माइक म्यूट करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नई सुबह से वकास बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे एक ये चीज़ पूछना था, आप जो ये जो एग्जांपल इंश्योरेंस के हवाले से दे रहे हैं, तो अगर कोई एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग या हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देंगे तो उसको समझने में अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक ये चीज़ भी एक एग्जाम्पल आप जो दे रहे हैं अभी उसके साथ एक और कोई एग्जाम्पल दे देंगे तो अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चले ठीक है सर, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जी जी काइंडली, अगर ऐसा हो जाए या मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी हो जाए तो भी वो उसे समझ, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज के हवाले से तो हम लोग को इतना समझ नहीं होती है, लेकिन इसके हवाले से अगर आप देंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देंगे एनजीओस के हवाले से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन एंड आई बिलीव कि ये ज़्यादा रेलिवेंट होगा आप सब लोगों के लिए भी। तो इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने खुद फाइनेंशियल क्लाइंट्स काफ़ी किए हैं तो इसलिए मैंने अपनी एग्जांपल्स वहीं पर रखी थी, लेकिन चले मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के भी ऑडिट किया है, और एनजीओ मैंने एक एनजीओ पे काम किया था जो कि था आमिर सुल्तान चिनॉय फाउंडेशन, एक और एक क्लाइंट ये भी था पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। तो एनीवेज डोनेशंस, सॉरी, जो एनजीओज होते हैं उनकी सेल्स नॉर्मली नहीं होती हैं। जैसे कि अगर मैं नई सुबह की बात करूँ तो जो मुझे समझ आया है, जो कि बेसिकली
जो असिस्टिव टूल्स हैं जो कि अगेन सर सलमान सुल्तान लीड कर रहे हैं, उनकी सेल्स रिकॉर्ड होंगी। तो ये मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन जैसे नॉर्मली जो एनजीओस की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना, वो डोनेशंस होती हैं। आपकी जो भी डोनर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करते हैं और वो आपका होता है इनकम। जो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नॉर्मली नहीं बन रही होती। जो एनजीओ, इसका नाम डिफरेंट होता है, होती सेम चीज़ है। जैसे इनकम स्टेटमेंट के अलावा एक अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें बेसिकली आपकी इनकम आ रही होती है डोनेशंस के थ्रू, सब्सक्रिप्शंस के थ्रू, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज सेल हो रही होती हैं तो वो रिकॉर्ड होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस इसमें से माइनस होते हैं और आपके पास एंड में आता है या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, क्योंकि जो भी एनजीओज होती हैं वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती हैं। एक तो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, आपकी स्टॉक मार्केट पे कंपनीज होती हैं, दे एम टू मेक अ प्रॉफिट, इनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। एनजीओज का मकसद होता है लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, वेलफेयर का जो काम होता है, तो उसमें प्रॉफिट आप नहीं कमाते, उसमें या तो सरप्लस आता है या तो डेफिसिट होता है, ठीक है। और ये मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इस तरह से। अब जो बैलेंस शीट होती है उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजिशन होती है वो बताई जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू। तो उसमें भी सिमिलरली इसी तरह के आपके फिक्स एसेट्स हो गए, आपके करंट एसेट्स हो गए और आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गए, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स होते हैं। और इसी तरह से एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब ये होता है कि एज ए नेम सजेस्ट, जो भी आपने रिसीट्स आपको आई डोनेशंस के फॉर्म में, सब्सक्रिप्शंस के फॉर्म में, तो वो आप लिखेंगे। और एक और चीज़ है कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उसको आप कह सकते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट CGU। ये भी सेल्स, मतलब के आपके इनकम में या आपकी रिसीट्स में इंक्लूड होता है। जैसे अगर मैं नई सुबह की बात करूँ तो मुझे जो आइडिया हुआ है कि जो टाइम आउट लंच इन द बॉक्स है जो कि मिस रिता वसीम लीड कर रही हैं और उन्होंने भी इस मीटिंग में हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट हम कह सकते हैं क्योंकि वो विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये मतलब के खाने पीने की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड अ कैश जनरेटिंग यूनिट। तो ये भी आप इसको इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात करूं तो जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सेल्स की जो फिगर्स हैं उसकी भी अगर आप नोट्स में जाएं तो डिफरेंट डिफरेंट जो सीमेंट की जो क्वालिटी होती है ग्रेड ए की, बी की, इस तरह से, जैसे जैसे जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें OPC होता है और एक होता है SRC। OPC इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा होता है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो ये दो मेजर किस्म के सीमेंट होते हैं और ये मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बाइफर्केशन करके आपको बताता है, आपको अकाउंट्स की और डिटेल बताता है, ठीक है। तो आई बिलीव के मैं अपनी एग्जांपल इन्हीं दोनों सेक्टर से पर्टेन करूँगा, ठीक है। अब हम अपनी डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर किसी का सवाल हो तो वो अनम्यूट करके बताइए या तो वो हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऑडिट कंपनी में, ऑडिट क्लाइंट पे जाते हैं तो आपके पास एक विजिलेंट बिहेवियर होना चाहिए, या जिसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब वही है कि आपके पास एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए और आपको अलर्ट रहना चाहिए फॉर ऑल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब यही है कि आपके जवान में सवालात बहुत ज़्यादा होने चाहिए कि ये क्यों है, ये किस तरह से है, ये रेंट कितने की है, मतलब ये क्यों है, मतलब हमें इस तरह से अपना एटीट्यूड रखना पड़ता है। और हमें जो ऑडिट क्लाइंट होता है वो हमें प्रूफ प्रोवाइड करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडिट एविडेंस, जिसके ऊपर भी थोड़ी सी हम डिस्कशन वापस आज करेंगे।
तो जितने भी हमारे सवाल होते हैं क्लाइंट का ये फर्ज होता है कि उनको ये सब चीजें एड्रेस करनी पड़ती हैं, तो ये हमें ऑब्जर्व करना होता है ऑफिस में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह से चीजें चल रही हैं, और ये फ्रॉड को पकड़ने में भी काफी हेल्प करता है, क्योंकि वही हम फ्रॉड को पकड़ते नहीं है लेकिन हमें ये अलर्ट रहना पड़ता है कि क्या फ्रॉड हो रहा है या क्या फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड पकड़ना फाइनेंशियल ऑडिटर का काम नहीं होता, फ्रॉड पकड़ना फोरेंसिक ऑडिटर का काम होता है। रीकैलकुलेशन का मतलब, रीकैलकुलेशन एज द नेम सजेस्ट, कि आपको वापस से उस फिगर को रीकैलकुलेट करना होता है। जैसे कि अगर मैं वापस से अपनी एग्जांपल दूं रेंट एक्सपेंस की, या चले मैं बात करता हूं एचआर की, ठीक है। अब एचआर में जैसे कि आप लोग सैलरीज एंड वेजेस प्रोवाइड करते हैं, आपकी पेरोल की एक्सपेंस होती है, तो उसमें भी आप रीकैलकुलेशन एक एवरेज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता हो कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, और आपके पास ये पता हो कि बेसिक सैलरी उन एम्प्लॉयज की कितनी कितनी है। अब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर हम डिपार्टमेंट वाइज भी कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल ऑफ स्टाफ है और अपर लेवल ऑफ स्टाफ है, उनकी एक बेसिक रेंज तो नॉर्मली सेम होती है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कंपनी में 5 आपके जूनियर लेवल ऑफ स्टाफ हैं, फिर उसके बाद 5 और एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जूनियर लेवल का पे स्केल सेम है, और उसके बाद जो अपर लेवल ऑफ स्टाफ है, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसकी सेम है, उसके बाद जो मैनेजरियल पोजीशंस हैं उसमें भी है। तो इस तरह से आप सबकी बेसिक जो सैलरीज होती हैं वो आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें ये भी मेंशन करूं कि नेस्पा के एचआर डिपार्टमेंट में मैम इफ्रा होती हैं जो कि एचआर को हैंडल करती हैं, तो शी इज आल्सो जॉइंड इन दिस मीटिंग, सो वेलकम टू हर एज वेल। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन का मतलब वही होता है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट यूज होता जाता है तो उसकी लाइफ कम होती है। जैसे अगर ऑब्वियसली आपने एक सिंपल लैपटॉप भी लिया होता है, तो आपने लैपटॉप आज लिया है वो 2,00,000 रुपए का, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसको आप यूज करोगे तो उसकी बैटरी पे फर्क आएगा, उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क होगा, चार्जर खराब हो सकता है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम पास होता है तो आपकी प्रोडक्ट की वो बात नहीं रहती जो बात पहले की थी। जैसे ये मैंने लैपटॉप अगर लिया था तो 3 साल के बाद बैटरी में इशू आते हैं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ते कम होती है। इसी तरह से अपडेट्स आते रहते हैं, अभी जैसे विंडोज 11 आ चुका है, तो इसका मतलब द वेयर एंड टेयर एंड ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि ये मैंने लैपटॉप लिया था तो उस वक्त विंडोज 10 था, लेकिन अब विंडोज 11 आ गया है, तो ये जो फर्क आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 साल पहले ये लैपटॉप 2,00,000 रुपए का था, तो आज इस लैपटॉप की वर्थ 2,00,000 रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू कम है। तो इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बहुत मैंने सिंपल तरीके से समझाया कि 3 साल पहले की वैल्यू आज नहीं रहती। इसको आप फंक्शनल, इसको आप करेंसी में भी ले सकते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू 2 साल पहले थी वो आज नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप हर एस्पेक्ट में भी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करते हो और आप ये देखते हो कि जो मैनेजमेंट ने आपको अकाउंट दिए हैं उसमें से कितना डेप्रिसिएशन उसने निकाला है। उसके बाद आप अपने आंसर्स को कंपेयर करते हो। आंसर्स को कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस आता है ना, वो आपको देखना पड़ता है कि कम है कि ज्यादा है। डिफरेंस को एक टर्मिनोलॉजी होती है विच इज नोन एज टॉलरेबल एरर, यानी कि जब आप मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हो, जिसकी मैंने डिस्कशन पहले दिन करी थी, तो मटीरियल देखना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके लिए 10,00,000 रुपए 20,00,000 रुपए कुछ भी नहीं होता, मतलब कि वो उनके लिए वो वैल्यू, वो जो पैसे हैं वो अहमियत नहीं रखता है। मतलब जो छोटी कंपनीज है उनके लिए शायद 1,00,000 रुपए भी बहुत मायने रखता होगा। तो हमें इसके डिफरेंस हमें इवेल्युएट करना पड़ता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। तो हमें ये देखना है कि मेरी वर्किंग, मतलब ऑडिटर की वर्किंग और जो क्लाइंट की वर्किंग है उसमें कितना फर्क आ रहा है। अगर जो मैंने एस्टिमेट निकाला है मटीरियलिटी के हिसाब से अगर उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो फिर उसमें से क्वेश्चन मार्क रेज हो सकता है कि शायद क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट किया। इसी तरह से फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और वही मैं सारे अपने वर्किंग करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिकैलकुलेशन की बात है। री परफॉर्मेंस भी वेरी सिमिलर,
टू रिकैलकुलेशन कि आप वो चीज दोबारा करते हो, मतलब के वो जो जैसे कि डेप्रिसिएशन है उसको आप रीपरफॉर्मेंस करते हो, रीपरफॉर्मेंस के अंदर रिकैलकुलेशन आप परफॉर्म कर होते हो. इंस्पेक्शन वेरी सेम, जैसे कि आपके जो फॉर एग्जांपल अगर मैं नई सुबह की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो आई थिंक अगर वो रेंटेड है तो अगर जो ऑडिटर करने आते होंगे वो हर साल रेंट एग्रीमेंट चेक करते होंगे कि आपकी मंथली रेंट की अमाउंट कितनी है, तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी हार्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको फिजिकली चेक करेगा, फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा, मतलब कि वो देखेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है रेंट का वो रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है. हर साल रिन्यू होता है तो हमें रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. इंस्पेक्शन में मैंने ये देखा कि रेंट की अमाउंट आ रही है फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो ये 50,000 कॉन्ट्रैक्ट में भी होनी चाहिए, ये 50,000 की अमाउंट, ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे सिग्नेचर्स भी होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए. इसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट भी हर महीने 50,000 की अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट किया, तो ये ऑडिट की एक प्रोसीजर होता है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं. मैंने अपनी बात अभी करी थी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, विच ऑल्सो लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का प्रूफ, मतलब कि कोई भी ऑडिटर क्वेश्चन पूछे, कोई भी ऑडिटर सवाल करे या वो अपने अकाउंट्स में चेक कर रहा हो, तो वो ऑडिट एविडेंस मांगता है कि आप क्या वाकई में सच बोल रहे हो कि नहीं, मतलब आप सही बोल रहे हो कि नहीं. ठीक है, तो ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ऑडिटर सवाल पूछता है उसको उसकी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए. हवा में कोई बात नहीं होती, मुंह जबानी ओरली कोई भी बात नहीं होती, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं हार्ड में होते हैं, तो वो हार्ड कॉपी स्कैन होके आपका जो ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अटैच होते हैं, और वो पार्टनर भी चेक करता है. और ये ऑडिट फर्म की लायबिलिटी भी होती है कि जैसे पाकिस्तान में KPMG है, तो KPMG कोई इंटरनेशनल कंपनी जैसे KPMG UK, KPMG US भी उसके पास राइट होता है कि वो फाइल वो चेक कर सकता है कि कोई हम झूठा मोटा काम तो नहीं कर रहे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑडिट के हवाले से कि आपकी भी एक लायबिलिटी होती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल बातों में कह दिया कि भाई हाँ चलो रेंट इज 50,000 और ये मैंने लिख दिया, अगर मैंने ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन नहीं करी, चलो वो बंदा मतलब कि ट्रस्टवर्दी है या जो भी कह लो, लेकिन अगर हम उस चीज़ का सबूत नहीं लेंगे, उस सबूत को अटैच नहीं करेंगे, तो ये ऑडिट फर्म की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क रेज करता है. मतलब कि मुझे सारा काम पक्का पक्का करना ही पड़ेगा. अब मैंने रेंट अग्रीमेंट ऑप्टेन किया, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, मुझे स्कैन करके अटैच भी करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर पूछ सकता है या कोई इंटरनेशनल फर्म भी इसको चेक कर सकती है कि अग्रीमेंट कहाँ पे, तो मैं कैसे पता चला कि 50,000 रेंट है, मतलब मैंने बोला मैं बोलता हूँ कि भाई ये तो मैंने सिर्फ उससे पूछ लिया था. तो ये आप नहीं कर सकते, ऑडिट एविडेंस आपको चाहिए ही चाहिए होती है हर किसी फॉर्म में. तो ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑडिट एविडेंस. ओरिजिनल वर्सेस फोटोकॉपी, ऑब्वियसली जो स्टैम्प पेपर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड पेपर्स पे इस तरह की जो भी अग्रीमेंट्स होती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, वो ओरिजिनल होनी चाहिए. फोटोकॉपी इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो चीज़ मैनिपुलेट भी हो सकती है, उसकी ओरिजिनलिटी पे क्वेश्चन मार्क रेज हो सकता है, या उस पर मैनिपुलेशन भी हो सकती है. तो हम कोई भी एविडेंस मांगते हैं तो उस पर उसकी साइन सिग्नेचर स्टैम्प भी होना चाहिए, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए. अगर मेरे पास कॉपी है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हालांकि वो चलो सच्ची भी होगी, हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एग्रीमेंट ओरिजिनल नहीं मिल रहा हो और वो फोटोकॉपी प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, इसका मतलब ये मैनेजमेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मैनेजमेंट की तरफ से एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से ऑडिट फर्म अकाउंटेबल होती है ग्लोबल बॉडीज पे, जैसे कि KPMG कराची ऑफिस है, KPMG पाकिस्तान है, ठीक है, वो अपने सारे काम के लिए लाइबिलिटी और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई बाहर की कंपनी जैसे KPMG US वो हमारा काम चेक करे तो हमारे पास सारा काम पक्का पक्का होना चाहिए.
तो वी आर अकाउंटेबल टू दोज एंटिटीज. इसके अलावा हम लोग अकाउंटेबल होते हैं ICAP, ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने डे वन पे डिस्कशन की थी, जिसका CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन होती है. ठीक है, तो हमें अपना काम उनको भी दिखाना पड़ता है ताकि ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन हो सके. और क्वालिटी में एक होता है QCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मतलब कि हमारा ऑडिट का काम चेक भी होता है कि आपकी ऑडिट क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है. इसी तरह से जो मैनेजमेंट होती है, जो क्लाइंट है, बेसिकली जो क्लाइंट होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सारी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड करनी होती हैं वो 100% रियल, 100% ओरिजिनल होनी चाहिए. अगर वो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट, कोई भी झूठी चीज दे, और चलो मान लें हमने वो डॉक्यूमेंट मान ली, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई दिन उससे पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क पूछा जाए कि ये चीज़ तो झूठी थी, तो उस पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उस पर रिलायबल होता है उस चीज़ के लिए, सॉरी वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. तो ये एक और बॉडी है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये भी इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है टू मेक श्योर कि सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों और फेक होती हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में फ्रॉड होता है और इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, तो उसमें फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्लाइंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि एक शुगर मिल्स का एक केस था, तो उसमें ऐसा था कि पार्टनर की कुछ नेग्लिजेंस थी ऑडिट फर्म की, तो उसको फाइन देना पड़ा था. तो मतलब दिस, और वो फाइन कोई सिंपली लाखों में, मतलब वो करोड़ों में भी चीज़ चली जाती है, मतलब 50 लाख साल, मतलब बहुत बड़ी फाइन्स एंड पेनल्टीज होती हैं. तो इसी तरह से अगर मैनेजमेंट कोई फेक चीज़ प्रोवाइड करे तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए. तो ये आपकी बात होती है इसकी. ठीक है, वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया रेंट एग्रीमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरह से ये भी एक ऑडिट एविडेंस होता है. बैंक लीगल एंड टैक्स कन्फर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग एक्सटर्नली उस चीज़ को वेरीफाई करते हो और इससे एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होती है. जो मैंने एग्जिस्टेंस का मैंने कवर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजर्शंस के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि वो बैंक असल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं है. जैसे कि उस कंपनी का अकाउंट है HBL में, तो मैं HBL, मैं एज अ ऑडिटर HBL से पूछूंगा कि क्या वाकई में इस कंपनी में आपका अकाउंट है कि नहीं. ये आपका रूटीन प्रोसीजर होता है, ये हर क्लाइंट होता है कि आपको ये चीज वेरीफाई करनी होती है, आपको चेक करना पड़ता है. तो आप सिंपली एक उनको लेटर लिखते हो, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होती है, KPMG जो कि ऑडिट फर्म है वो HBL को लेटर लिखती है कि क्या वाकई में इस कंपनी में आपका अकाउंट है कि नहीं है, और अगर है तो अगर साल के एंड में उस अकाउंट में बैलेंस कितना है, अकाउंट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस कितना बेसिकली. तो ये हम सेंड करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस जो HBL होता है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है ऑडिटर को. ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी रिलायबल होती है कि उसको भी 100% ओरिजिनल और रियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है. अब जो कंपनी है उसने प्रोवाइड की मुझे बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस, ये तो चलो मैंने वेरीफाई कर लिया, और अगर ये मुझे लगी कि ये झूठी है तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए मैं एक बैंक कन्फर्मेशन भेजता हूँ ऑडिट फर्म के लेटर हेड पे, और वो मुझे जब पोस्ट कोरियर से मुझे इसका रिस्पांस आता है तो मुझे इससे ये पता चलता है कि वाकई में क्या ये बैलेंस है कि नहीं है. ठीक है, इसी तरह से एक होता है टैक्स कन्फर्मेशन, एक होता है लीगल कन्फर्मेशन, एक होता है अकाउंट रिसीवेबल की कन्फर्मेशन, अकाउंट्स पेएबल कन्फर्मेशन, लोन कंफर्मेशन, मतलब हर चीज की आप कंफर्मेशन निकालते हो. लीगल कंफर्मेशन मतलब कि आपके आपकी कंपनी में जो लीगल केसेस अगर कोई चल रहे हैं तो आप लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करते हो. तो हम एज अ ऑडिटर लीगल एडवाइजर से पूछते हैं कि क्या आप वाकई में इस कंपनी के लीगल एडवाइजर हो, क्या आप वाकई में ये केस चला रहे हो कि नहीं, कोई झूठी बात तो नहीं है, ये बात होती है. टैक्स कंफर्मेशन वेरी सिंपल, टैक्स जैसे टैक्स के लिए आप किसी दूसरे फर्म को अपॉइंट करते हो आपके सेल्स टैक्स रिटर्न्स या आपके इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, तो मैं एज एन ऑडिटर उस टैक्स कंपनी को मैं लेटर लिखता हूँ, एक कंफर्मेशन भेजता हूँ कि आप मुझे कंफर्म करो कि क्या वाकई में आप इस कंपनी में टैक्स का काम देखते हो कि नहीं, और अगर आप देखते हो तो मुझे साथ में इसकी इनकम टैक्स रिटर्न भेजो मुझे जो आप लोग काम करते हो. ठीक है, ये हो गया.
और लीगल कंफर्मेशन भी होता है कि कोई लीगल पेमेंट होती है एडवाइजर को केस चलाने के लिए, लॉयर को आप पेमेंट करते हो, तो वो भी आप उससे पूछते हो कि क्या वाकई में इन पेमेंट्स आपको ही हुई हैं, किसी और को तो नहीं हुई है। तो मेरी बातें काफी डाउटफुल लग रही है कि आप मतलब क्वेश्चंस रेज कर रहे हो। तो ऑडिटर का काम यही होता है कि उसको क्वेश्चंस, उसको प्रूफ चाहिए होता है, किसी भी चीज का उसको सबूत चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल असद भाई हैं जो कि नेक्स्ट बार के मैनेजमेंट में होते हैं, असद भाई बेसिकली मैंने उन्हें एक चीज सेल की क्रेडिट पे, कोई मैंने एक्स वाई जी सेल मैं इनको बेची क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मुझे कैश उस वक्त नहीं दिया, वो मुझे पेमेंट करेंगे बाद में, मैंने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर दी, मुझे असद भाई से वो पैसे रिसीव करने हैं, ये हो गए अकाउंट रिसीवेबल। मेरी कंपनी है, मैंने अपने अकाउंट्स में बता दिया कि असद भाई से मुझे 5000 रुपीस के मैंने सेल किए, वो मुझे उनसे रिसीव करने हैं, मुझे अभी तक वो पैसे मिले नहीं है, ठीक है। अब ऑडिटर आएगी, अब ऑडिटर ये देखेगी कि इस कंपनी में इस कंपनी को असद भाई से 5000 रुपीस लेने हैं, तो जो ऑडिटर होता है वो असद भाई को लेटर लिखेगा, एक कंफर्मेशन भेजेगा, और उसमें असद भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनको जवाब देना है कि हाँ वाकई में मैंने इस कंपनी से ये अमाउंट्स मैंने उनसे किए, परचेज किए, और मुझे ये 5000 रुपीस उस कंपनी को देने हैं। ये होता है अकाउंट रिसीवेबल कंफर्मेशन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अकाउंट्स पेएबल कंफर्मेशन, सेम एग्जांपल, अकाउंट्स पेएबल की कंफर्मेशन में अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो ऑडिटर उस बंदे को कंफर्मेशन भेजेगा कि क्या वाकई में मुझे उस बंदे को पेमेंट करने हैं कि नहीं है। अब बात करूं लोन कंफर्मेशन, लोन कंफर्मेशन में सेम चीज होती है कि अगर कंपनी ने लोन लिया है, बैंक से कोई भी लोन लिया है, एडवांसेस लिए हैं, तो बैंक को मैं लेटर लिखूंगा और बैंक ये मुझे प्रूफ करेगी कि वाकई में मैंने इस कंपनी को कर्ज दिया है, मैंने उस कंपनी को लोन दिया है। तो हर चीज की आप कंफर्मेशन निकालते हो, ये बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, ये आपको करने ही करने होते हैं हर क्लाइंट पे, हर कंपनी पे। सेम बिल्स की बात हो गई, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो मैं जब पूछूंगा कि महीने के एंड में मई के एंड में कंपनी का बिल आया 1,00,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो मैं किसे यकीन करूं, तो कंपनी मुझे के इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करेगी ओरिजिनल, जिसके अंदर 1,00,000 रुपए की अमाउंट हो, और मैं इससे ये भी सबूत मांगूंगा कि आपने पेमेंट कैसे किए। अब या तो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा देगा, या तो मुझे चेक दिखाएगा कि वाकई में मैंने के इलेक्ट्रिक को 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो अमाउंट्स भी आपके सेम होने चाहिए, ये आपका ऑडिट होता है। इसी तरह से जैसे मैंने एसी की एग्जांपल दी कि मैंने एसी परचेज किया, तो एसी का मुझे इनवॉइस देखना होगा कि क्या वाकई में आपने वाकई में एसी खरीदा है कि नहीं, और खरीदने के बाद इसको चेक करने के लिए भी मैं फिजिकली ऑफिस में जाके देखूंगा कि वाकई में ये एसी लगा भी है कि नहीं, हो सकता है इनवॉइस झूठी हो, तो जब मैंने फिजिकली सामने देख लिया कि हाँ, और ये मैं कैसे वेरीफाई करूँ, एसी पे सीरियल नंबर होगा, इनवॉइस नंबर, मतलब ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, नॉर्मली एसी को इस तरह से नहीं करते, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे, बहुत बड़ी मशीन्स पे ये चीज़ें होती हैं कि आप सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी आपके ऑडिट एविडेंस या ऑडिट प्रोसीजर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी का कोई यहाँ पे सवाल है? ठीक है, तो जस्ट अ क्विक रिकैप, ऑडिट एविडेंस हर चीज की प्रूफ होती है जो कि ऑडिटर को अपने ऑडिट के दौरान रिसीव करनी होती है, और आगे अपने ऑडिट फर्म के जो मैनेजमेंट है, जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको भी ये चीज़ें इन्फॉर्म करनी चाहिए, जो भी आपको हार्ड डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं उसको वर्किंग पेपर के अंदर अटैच करनी होती है। वर्किंग पेपर का कॉन्सेप्ट भी हमने डे वन में लिया था कि बेसिकली वर्किंग पेपर्स हमें एक्सेल फाइल्स में बनाते हैं, और एक्सेल फाइल्स में वो सारी चीज़ें हमें अटैच करनी होती हैं, और ये काम आगे ऑडिट सॉफ्टवेयर में डालते हैं, और ये ऑडिट सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है ये साइन करता है आपका ऑडिट पार्टनर। पार्टनर साइन करने के बाद कंपनी का ऑडिट क्लोज हो जाता है, और उसके बाद ये फाइल जाती है ग्लोबल नेटवर्क पे। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत सिक्योरिटी के साथ ये फाइल्स रखी जाती हैं,
केपीएमजी की बात करो या कोई भी बिग फोर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, तो ये आप अपनी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फाइल रखते हो कि उस पर कोई भी बड़ी फर्म जिसके पास अथॉरिटी हो वो आपका काम चेक कर सकता है, आपकी क्वालिटी चेक कर सकता है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान की जो लोकल बॉडीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, SECP और ICAP, उनको भी आपको ये फाइल्स कभी भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन थी ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि स्पेसिफिकली मैंने अपनी तकरीबन पूरी डिस्कशन में इस चीज को मैंने इंक्लूड किया है, अब स्पेसिफिक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। अगर यहां से मुझे कोई बताया, मैंने भी इतनी एग्जांपल्स दी हैं, तो अगर कोई मुझे एसेट्स की दो या तीन एग्जांपल दे फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में जैसे मैं बताऊं ऑफिस इक्विपमेंट और फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स, जिसको कहते हैं आपके कंप्यूटर्स हो गए, ये हो गए आप लोगों के फिक्स्ड एसेट्स। जब आप ऑडिट करने जाते हो तो फिक्स्ड एसेट्स के ऑडिट के लिए आपको चाहिए होता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। ये मैंडेटरी होता है हर लिस्टेड कंपनी को कि उनके पास एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, और ये आपको ऑडिटर को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कोई मैनुअली अब लोग नहीं करते, लोग इसको एक्सेल में ही सॉफ्ट में इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अब फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में होता क्या है? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टोटल कॉस्ट आती है कि पूरे साल में इतने इतने एसेट्स हमारे पास हैं बैलेंस शीट के डेट पे। इसका मतलब आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट हो, आपके पास इस तरह की सारी चीजें, बिल्डिंग्स हो, आपके पास बिल्डिंग्स हो तो उन सब की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। डिटेल्स होती हैं, इंडिविजुअली भी होती हैं, एग्रीगेट भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप पे सारी अमाउंट्स आ रही होती है। इसके अंदर हमारे पास होती हैं वो एसेट्स जो आपने साल के ड्यूरिंग परचेज किया हो, जो आपने साल में खरीदा हो। जैसे कि हो गया, मैंने बताया कि साल के दौरान मैंने एसी खरीदा, उसकी एग्जांपल दी, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, इसकी एग्जांपल दी, मैंने टेबल कुर्सियां खरीदी, और ये सारा होता है अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी आप फिक्स एसेट्स की परचेज करते हो, उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो, वो आप लिखते हो एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये सारी चीजें आएंगी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के एडिशंस के सेक्शन में। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, साल में आपने कितने कितने एसेट्स खरीदे। इसके बाद आता है डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब कि जो भी एसेट आपने बेचा हो साल के दौरान, पहले मैंने बताया कि जो एसेट्स मैंने खरीदे, इसके बाद मैं बताऊंगा कि पूरे साल में मैंने कितने एसेट्स बेचे और कितने के बेचे, ठीक है। मैंने ये 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया था, मैंने इसको सेल किया 1 लाख रुपए में, फॉर एग्जांपल। तो अब मैं डिस्पोजल्स में ये चेक करूंगा कि साल के शुरू में इसकी अमाउंट आ रही होगी, मैं इसमें बताऊं कि जैसे मैंने लैपटॉप बेचा, तो मुझे ये देखना है कि साल के शुरू में तो मेरे पास लैपटॉप था, साल के एंड में मेरे पास वो लैपटॉप नहीं होगा, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि ये एसेट आपके एंड में नहीं आ रहा हो, ये मैं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से वेरीफाई कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, तो इसी तरह से पहले आपके एडिशंस होंगे, डिस्पोजल होंगे, और आपकी एंड में जो वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं एचआर की, तो एचआर की भी एक रजिस्टर होता होगा, और आई बिलीव मैम इफ्रा इसमें हमें काफी कंट्रीब्यूट, हमें इसमें वैल्यू एडिशन कर सकती हैं कि आपके एसेट्स, सॉरी आपके जो एम्प्लॉयज होंगे उसकी लिस्ट होगी, उसकी अटेंडेंस होगी, तो एम्प्लॉयज की अटेंडेंस
हो रही होगी कि कौन एबसेंट है कौन नहीं आ रहा हो, तो ये आप एचआर के लॉग में आप मेंटेन करते हो। तो इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन कोई एम्प्लॉय एबसेंट हो, जैसे जो बायर आपका मशीन लगा हुआ होता है तो टाइम इन टाइम आउट मॉनिटर हो रहा होता है, तो बेसिकली आपने कोई एम्प्लॉय एबसेंट रहा तो कंपनी की अगर पॉलिसी हो तो शायद उस दिन के उसके पैसे कट सकता है, तो ये भी आपके रजिस्टर के अंदर आ रहा होता है। और इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है तो मुझे ये भी देखना है कि उस रजिस्टर में उस एम्प्लॉय का नाम हट जाना चाहिए, जो भी उसकी फाइनल सेटलमेंट है जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। जैसा कि उसने रिज़ाइन किया तो उसका नोटिस पीरियड भी होता है, नॉर्मली एक महीने का होता है, उसका रेजिग्नेशन लेटर भी होना चाहिए, पूरी एक फाइल मेंटेन होती है एचआर में, तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो मैम इफ्रा आप कुछ कहना चाहेंगी इस बात इसके बारे में? जी मिस इफ्रा प्लीज माइक अनम्यूट कीजिएगा। आई थिंक वो हमारे साथ नहीं है। नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लाइक चेक कर लेते हैं। असल जरा बताइएगा मिस इफ्रा हैं। ठीक है, इसमें मैं यही बताऊं कि बेसिकली जो तो मैं सिर्फ माइक अनम्यूट करें और आंसर करें। शायद कुछ इंटरनेट का इशू होगा। बिल्कुल, उन्होंने अभी हमें बताया कि इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। मैम इफ्रा, मैं एचआर के एग्जांपल बेसिकली कोट करा था कि एम्प्लॉयज़ की किस तरह से फाइल्स मेंटेन होती हैं और उसका जो पेरोल होता है वो सारी चीज़ें भी एचआर के भी मैनुअल्स होते हैं, वो आप लोगों को चेक करने होते हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया है तो ये हमें मेक श्योर करना है कि अगले साल उस एम्प्लॉय का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा और उसको पैसे भी नहीं मिल रहे हो, तो ये पूरे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होते हैं। और फ्रॉड इसी तरह से पकड़ा जाता है कि जैसे एम्प्लॉय छोड़ दिए कंपनी लेकिन फिर भी उसको पैसे जा रहे हैं, अब वो किस तरह से जा रहे हैं, वो अंदर अंदर ही दूसरे एम्प्लॉयज में सर्कुलेट हो रहा होता है, ये वही कंपनी के पैसे घूम फिर के अपने अंदर ही अपने पास ही वो वापस आ रहे होते हैं, तो ये भी एक फ्रॉड, कोई फ्रॉड बेसिकली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रॉड की भी वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उस पर हमारा क्योंकि डोमेन नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स और होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फिक्स एसेट्स की एडिशंस का बताया, मैंने फिक्स एसेट्स के डिस्पोजल्स के बारे में बताया। पॉलिसी मैनुअल बेसिकली आपका यही होता है कि आपने जो फिक्स एसेट लिया है उसकी पॉलिसी क्या होती है, मतलब पॉलिसीज में बहुत सी हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वेंडर से वो चीज़ें परचेज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का कोई भी नाम लेता हूँ, फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल, तो मेरी कंपनी के पॉलिसी में लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिस की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं परचेज करूँगा। ठीक है, ये 100% मतलब ये पॉलिसी है ही है। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है क्योंकि वाकई में सारी की सारी आइटम्स इसने एसी जो भी आपके फ्रिज हो गया इस तरह की जो इक्विपमेंट होती है ऑफिस की उन्होंने वाकई में क्या फैसल इलेक्ट्रॉनिक से ही परचेज किए हैं, इसमें भी ये श्योरिटी होती है। ये मतलब कि हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, तो अगर कोई डिफरेंट वेंडर से परचेज किया हो तो ये भी हमें इस पे क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि जब आपकी पॉलिसी है कि आपको सिर्फ इसी जगह से परचेज करना है तो आपने किसी दूसरी जगह से क्यों परचेज किया। ठीक है, अब पॉलिसी मैनुअल के अंदर डेप्रिसिएशन का भी परसेंटेज होता है, जैसे कि आपका लैपटॉप है वो 10% से मुझे डेप्रिसिएट करना है, ये मुझे पॉलिसी मैनुअल से मिलेगा। और जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कशन की रिकैलकुलेशन की तो मैं उस 10% को वहां से उठाऊंगा और अपनी वर्किंग से 10% पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के बाद मैं चेक करूंगा कि मेरी फिगर में क्या वैल्यू आ रही है और जो क्लाइंट ने
फिगर दी है। अब देखो ना, वर्किंग क्लाइंट भी करेगा, वर्किंग मैं भी करूंगा। मेरा काम है उसकी वर्किंग को चेक नहीं करना, बल्कि मैं अपनी वर्किंग करूंगा और ये चेक करूंगा कि उसकी वर्किंग से कितना फर्क आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने वर्किंग की डेप्रिसिएशन आ रही है 5 लाख रुपए, क्लाइंट की वर्किंग है 480,000, 4,80,000, मतलब के 20,000 रुपए का फर्क है। 20,000 रुपए मैं देखूंगा कि मेरी डेप्रिसिएशन ज्यादा निकली है, क्लाइंट की कम निकली है, तो अब मैं देखूंगा, मैं जो मटीरियलिटी देखूंगा कि 20,000 क्या हमारे लिए वर्थ है कंपनी के लिए। तो नॉर्मली अगर नहीं होगा तो उसको हम जाने देंगे, पर अगर ज्यादा होगा तो फिर हम पूछेंगे कि आपने शायद डेप्रिसिएशन गलत तरीके से कैलकुलेट किया। तो फिर हम क्लाइंट की वर्किंग को चेंज करके अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करवाएंगे कि क्लाइंट ने गलत तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, ऑडिटर ने सही तरीके से कैलकुलेट की, और वो करेक्ट करवाएगा उसकी एंट्री को, 20,000 से डेप्रिसिएशन आपकी बढ़ा देगा। तो ये आपका होता है पॉलिसी मैनुअल से आप क्या क्या डिस्कशन करते हो। वही रिकैलकुलेशन की मैं एग्जांपल आप लोगों को बताई जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी बात है, सेम एविडेंस ऑफ पेमेंट्स, रिसीट्स एंड इनवॉइसेस, सेम चीज पेमेंट की मैं एविडेंस है बैंक स्टेटमेंट से कहूँगा। और मेरे पास एक सवाल आया है, तो काइंडली माइक अनम्यूट करके बताइए अपना सवाल। आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल बताइए। ठीक है, आपके कनेक्शन का इशू है, तो आप फिर अनम्यूट करके आप मुझे बता दीजिएगा अपना सवाल। तो मैं अपनी बात करता पेमेंट के बारे में। पेमेंट हम चेक करेंगे, हम कंपनी का चेक देखेंगे, हम उसका बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, ठीक है, कि वाकई में हमने ये पेमेंट करी है कि नहीं। रिसीट्स एंड इनवॉइसेस, रिसीट्स जो भी आपको मिलेंगी, जैसे आपने किसी चीज की सेल करी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी असद साहब को, मैंने सेल किया था 5,000 रुपीज का, तो जो क्लाइंट है वो ऑडिटर को वो इनवॉइस दिखाएगा कि ये मैंने सेल की है असद भाई को फॉर 5,000 रुपीज, और ये उस चीज की डिस्क्रिप्शन थी, उस चीज की अमाउंट थी, ठीक है। अब ये भी मुझे पता है कि ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि उसमें आपको कुछ पैसे मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब ऑडिटर का काम होता है ये चेक करना कि अब क्या इसने पेमेंट कर दिया कि नहीं। अब ऑडिटर उससे सवाल पूछेगा, असद साहब को कन्फर्मेशन भी भेजेगा लेटर के थ्रू, जो मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी थी अकाउंट्स रिसीवेबल कन्फर्मेशन की। उसके अलावा ऑडिटर का ये भी काम होता है कि वो चेक करता है कि अब क्या इसने पेमेंट कर, क्योंकि नॉर्मली ऑडिट स्टार्ट होता है साल के बाद, जैसे कि दिसंबर में मेरा साल खत्म होता है, ऑडिट होता है जनवरी फरवरी में, साल खत्म होने के भी एक महीने के बाद नॉर्मली स्टार्ट हो रहा होता है। तो अब हो सकता है कि दिसंबर के एंड में उस चीज़ हो, अब हो सकता है असद साहब ने जनवरी के मिड में वो पैसे दे दिए हो, तो इससे ये भी मेरा काम होता है कि मुझे चेक करना है कि वाकई में वो चीज़ हुई है कि नहीं। अब इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्रेडिट लिमिट का। अब मेरी क्रेडिट वर्थिनेस, क्रेडिट लिमिट को भी मैं असेस करता हूँ कि मैंने सारे कस्टमर्स को छूट दी हुई है कि अगर मैं उनको क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल करता हूँ कि आप बाद में पैसे दे देना, वो मुझे अब विद इन 15 डेज वो मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है। मैंने असद साहब को मैंने चीज़ सेल की, मेरे क्रेडिट टर्म्स हैं असद साहब से कि उनको मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। ऑडिटर ये भी चेक करता है। अब इस एग्जांपल में मैंने बताया तो असद साहब ने 10 दिन के अंदर जनवरी में मुझे पेमेंट कर दी, तो ये तो आपका नॉर्मल आपका सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर उन्होंने डिले किया पेमेंट में, तो ऑडिटर सवाल पूछेगा कि क्यों उसने पेमेंट डिले की है, तो उसके ऊपर भी डिस्कशंस होंगी। और इसमें फिर कंपनी की पॉलिसीज भी होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लेट पेमेंट की 15 डेज के बाद, तो कोई पेनल्टी भी साथ साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप कंपनी के पॉलिसी मैनुअल्स में चेक कर रहे होते हो कि उनकी SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिजिकल इंस्पेक्शन मैंने आपको वही बताया कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे वकास साहब ने मुझे कहा था कि
मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट पाइप, मतलब कि अगर पाइप मैन्युफैक्चरिंग है तो सीमेंट भी होता है वहाँ पे, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपकी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ये सारे आपके एसेट्स में काउंट होते हैं, फिक्स एसेट्स में काउंट होते हैं। तो हम फिजिकली जाके भी देख सकते हैं कि हाँ वाकई में जो इनवॉइस है वो सच है और वाकई में वो चीज़ उधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्कशन होगी फिजिकल इंस्पेक्शन के। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हैंड रेज किया था वो अपना सवाल, अगर उनका नेट का प्रॉब्लम नहीं है तो वापस पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं, या किसी और को भी सवाल पूछना हो तो वो भी माइक अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ, आप सिर्फ रेज हैंड करें और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपसे कहूंगा, तो आप हैंड रेज करें कि आप आप अपना हैंड रेज करें, मैं आपको फिर कहूंगा तो आप अपना हैंड मतलब कि मैं फिर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारी आखिरी टॉपिक आता है। वैसे तो ऑडिट में जितना भी मैंने समझाया, होपफुली आप सब लोगों को भी समझ काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट का बैकग्राउंड क्या होता है और ऑडिट किस तरह से होता है। आज हमने डिस्कशन की कि ऑडिट किस तरह से होता है, चाहे वो फिक्स एसेट्स का हो चाहे वो HR का हो, तो उस पर हमने काफ़ी अपनी डिस्कशन करी आज, ठीक है। अब हमारे पास 10-15 minutes हैं, तो मैं इसको रैप अप करना चाहूँगा विथ ऑडिट कंक्लूजन, जो कि अगेन आपके ऑडिट को खत्म होने के इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। मैं ऑडिट फर्म का एम्प्लॉय हूं, मैंने कंपनी में गया, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया फॉर एग्जांपल, मैंने सारी एविडेंसेस हासिल कर ली, ऑडिट एविडेंस, मैंने अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, मैंने वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करी वर्किंग पेपर्स के अंदर, हवा में कोई बात नहीं है, सब आपका काम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मैंने सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ली, हार्ड में कुछ चीज़ें मिली, मैंने उसको स्कैन करके वर्किंग पेपर्स के अंदर अटैच कर ली, सारी जो मेरी वर्किंग है वो मैंने क्लाइंट से मैंने मैच करी और मेरी वर्किंग्स भी बिल्कुल सही हो गई, जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व मैंने करवा दिए, ठीक है। मतलब कि अब मेरा ऑडिट इख्तिताम पे पहुँच रहा है, मैं अब जाऊंगा ऑडिट फर्म में और मैं इस काम को रिव्यू करवाऊंगा अपने मैनेजर से और अपने पार्टनर से, ऑडिट मैनेजर एंड ऑडिट पार्टनर, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट पार्टनर आपके ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहा होता है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा होता है आपका पार्टनर, और अगेन जो आपका पार्टनर होता है ही हैज टू बी CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए पाकिस्तान का, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करो, अगर उसने ACCA किया है तो वो इस रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मैंने ACCA किया है तो मेरी ये अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चीज पे साइन कर सकता है। तो पार्टनर को भी सारी चीजें देखनी होती हैं, फील्ड वर्क सारा हम करते हैं, पार्टनर ऊपर ऊपर की चीज देख के अपने काम को कंक्लूड करता है, ठीक है। सारा ऑडिट की मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारे आइटम्स देख लिए, अब मैं अकाउंट्स पे जाऊंगा, ठीक है। अब वो सारी वर्किंग्स मैं श्योर करूंगा कि जैसे फिक्स एसेट्स की मैंने वर्किंग करी तो वो सेम वर्किंग आपके अकाउंट्स में भी आना चाहिए। जैसे मैंने देखा निकाला कि आपकी डेप्रिसिएशन जैसे 10 लाख रुपए की आ रही है, तो ये सेम अमाउंट आपके अकाउंट्स में भी आने चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आनी चाहिए, तभी आपकी मेक श्योर करोगे कि जो आपने काम किया है आपके जो अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसमें भी सेम अमाउंट आनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स मैंने पूरे देख लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगेन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बिल्कुल डिस्कशन नहीं किया क्योंकि वो अकाउंट से ज्यादातर उसका ताल्लुक रहता है। तो अगर ऑडिट की बात करो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी सिर्फ रिकैलकुलेशन होती है और रिकैलकुलेशन डिस्कशन मैंने इस वेबिनार में करवाई है, मैंने रिकैलकुलेशन, ठीक है, उसकी सिर्फ वर्किंग आपको चेक करनी होती है, ठीक है। अब सारी चीजें मेरी फाइनलाइज हो गई, अब अकाउंट्स पे काम होता है, अकाउंट्स को चेक करते हैं, वही वर्किंग पेपर्स वाली जो मैंने आपको सारी बातें बताई, उसके बाद
एक होता है इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कि पार्टनर उस अकाउंट्स पे इनिशियल करेगा कि हाँ हमने इसको टेम्पोरेरीली चेक कर लिए हैं, मतलब कि हर पेज पे वो छोटे से साइन करेगा कि हाँ ये मैंने अकाउंट्स अप्रूव किए हैं ड्राफ्ट टेम्पोरेरीली। ये अकाउंट्स आपके जाते हैं कंपनी के बोर्ड ऑडिट कमिटी में। बोर्ड ऑडिट कमिटी में जो कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो पूरी बहुत बड़ी एक मीटिंग होती है, उसमें ऑडिटर्स भी होते हैं, उसमें ये सारे लोग भी मौजूद होते हैं। ये लोग सारे कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर साइन करते हैं और इस बात को सर्टन करते हैं कि वाकई में केपीएमजी ने इस कंपनी का ऑडिट किया, ये अकाउंट्स फाइनल हुए हैं और ये जो डायरेक्टर साहब हैं उस बात पे एग्री करते हुए उन अकाउंट्स पे सिग्नेचर करते हैं। बोर्ड कमेटी में यही होता है, सिग्नेचर्स होती है, और भी बहुत सी चीज होती है लेकिन ऑडिट का नॉर्मल यही काम हो रहा होता है। उन्होंने साइन कर दिया। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट आता है कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है कि ऑडिट के दौरान अगर ऑडिटर को लगे कि ये इश्यूज थे, नॉर्मली इश्यूज जैसे कोई टैक्स के हवाले से हो या कोई बहुत बड़ी चीज हो, तो ये कवर लेटर के अंदर कवर हो रही होती है। ये लेटर केपीएमजी मतलब ऑडिट फर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोर्ड ऑडिट कमेटी में ये इनिशियल अकाउंट्स होते हैं और ये कवर लेटर होता है। ये दोनों ऑडिटर्स प्रेजेंट करते हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर वहां पे सिग्नेचर्स होती हैं, ठीक है। ये आगे कवर लेटर, और कवर लेटर में ये चीज होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी अमाउंट्स, सेल्स के अमाउंट, परचेजेस के अमाउंट्स, नॉन करंट एसेट्स जो आगे आप फिक्स एसेट्स है उसके अमाउंट, बहुत टोटल एक्सपेंसेस, ये सारी अमाउंट्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं और ये अमाउंट्स भी वंस अगेन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम अमाउंट, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और ये काम भी ग्लोबल जो क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं उनको भी ये चीज भी श्योर करते हैं कि सारी चीजें 100% मैच कर रही हो। ये मैं स्टेज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन मैंने काफी दफा ये भी देखा है ना कि चीजें मैच नहीं हो रही होती थी तो हमें उसको मैच करवाना पड़ता था, कभी टाइपिंग एरर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये हमें चीजें भी 100% उस पर चेक करनी होती है। इसमें रातें भी लगती हैं और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है लेकिन हमें हर चीज को प्रॉपरली देखना पड़ता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैंने इसकी बात शुरू में भी डिस्कस की थी कि मैनेजमेंट भी कुछ चीजें अपने अपने बलबूते पे अपनी गारंटी लेके बोलेगा कि हाँ ये चीज मैं कह रहा हूँ तो ये आप इस पे रिलाई करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में वही सारी चीजें बताएगा कि जो आपकी कंपनी है, ऑडिट क्लाइंट है, वो इसमें लिखेगा कि मैंने ऑडिटर को सारी चीजें प्रोवाइड की, सारी ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड की जो उन्होंने मांगी, और जो उन्होंने मांगी उसकी लिस्ट होगी कि ऑडिट के दौरान उसने ये चीजें मेरे से मांगी, ये चीजों का मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। इससे क्लाइंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करता है और अब जो ऑडिट फर्म होता है वो इस चीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट करता है कि वाकई में मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन मिली, क्लाइंट ने मुझे बैंक स्टेटमेंट दिए, मुझे एग्रीमेंट दिए, ये बात बताएगा कि वाकई में मैंने दिए, और केपीएमजी जो ऑडिट फर्म है वो इस बात को भी अप्रूव करे कि वाकई में मुझे ये चीजें मिली हैं। ये इस चीजें को डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आगे कोई भी रेगुलेटर का मसला हो, कोई क्वालिटी का मसला हो, तो उसमें वो चीजें कवर हो सकती है कि यार ये तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी थी तो आप कोई चीज पे क्लेम नहीं कर सकते, तो हर चीज आपको प्रॉपरली इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। ये बहुत सीरियस और बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, इसको आपको केयरफुली एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है क्योंकि कभी आपका क्लाइंट होता है वो घुमाने के लिए वर्डिंग्स में कुछ फर्क आ जाता है या ऐसा चीज होता है और बाद में कोई इश्यू आता है क्वालिटी के हवाले से, तो वो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज लिखी नहीं होती। जैसे लॉ आपका फॉलो करता है ना, यू हैव टू फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ, और आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ नॉर्मली फॉलो करनी होती है लेकिन आपको साथ साथ में लेटर और स्पिरिट ऑफ द लॉ दोनों को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये रिप्रेजेंटेशन भी साइन होता है कंपनी के सीईओ और सीएफओ से, और ये साइन लेटर ऑडिट फर्म के पास आता है और उस फर्म पे पार्टनर भी साइन करता है कि हाँ मुझे ये इस बात पे मैं गारंटीड हूँ
मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि मुझे वाकई में ऑडिट में सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब हमारी लास्ट टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। अब मैंने तो ऑडिट कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें भी हो गई। अब इससे पहले मैं छोटी सी बात ये कहूँ कि जब ये सारे लेटर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं साइनिंग कंडीशंस। और साइनिंग कंडीशन के बाद ये सारी चीजें अप्रूव हो जाती हैं तो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिश हो जाते हैं फॉर द पब्लिक, कंपनी की वेबसाइट पे आते हैं और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इन अकाउंट्स की कॉपी मिलती है ताकि उन शेयर होल्डर्स को पता चले कि इस कंपनी का ऑडिट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको गारंटी मिलती है, रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है कि आपका कंपनी में आपके पैसे इस कंपनी में लगे हैं तो ये कंपनी सही ऑपरेट कर रही है, इसके अकाउंट्स पे रिलाय किया जा सकता है किसी हद तक, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी अगेन फर्म की तरफ से होता है, ऑडिट फर्म की तरफ से, और इसमें ये लिखा जाता है कि वी हैव कंडक्टेड अवर ऑडिट in accordance with international standards on auditing as approved by the international accounting standards board as applicable in pakistan। iska matlab ke pakistan mein jo bhi ye laws and regulations applicable hote hain uski hi basis pe humne ye audit perform kiya hai। usme company ke bare mein hota hai ki company mein is tarah se cheeze hoti hain aur humne audit mein ye cheeze cover kari hain। पूरा एक समरी होती है ऑडिट की कि हमने एचआर का ऑडिट किया, हमने नॉन करंट एसेट्स का किया, हमने एक्सपेंसेस की हमने ऑडिट की, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक्स के ऊपर हम अपनी ऑडिट लिखते हैं। इसको ये भी कहते हैं की ऑडिट मैटर्स, कि जो जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अहमियत होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, सॉरी हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, जैसे जिस जो की रिस्की एरियाज होते हैं। जैसे अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो वही जो प्रीमियम होता है, क्लेम्स होता है, नॉर्मली ये सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट में आ रही होती हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो उसमें भी सेम चीजें आ रही होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में ये चीज नहीं आती है क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। नॉर्मली कोई भी इदारा होता है उसके अकाउंट्स पब्लिकली नहीं आते, अगर वो करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन इस तरह से पब्लिश नहीं होते हैं जैसे कि आपकी लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी इसको पब्लिश करती है शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि इदारे में तो शेयर होल्डर्स नहीं होते ना, इदारे में तो डोनर्स होते हैं जो कि अपना डोनेशन देते हैं इदारे को चलाने के लिए, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें होती हैं और एंड में ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि the company's accounts are presented fairly in all material aspects, that is they present a true and fair view of the financial statements as a whole। iska matlab ye hai ke aapke jo accounts hain wo true hain, wo fair hain, aur wo jo hamari limitations ke sath hum us pe kaam kar sake, humne accounts pe kaam kiya aur humne audit apna khatam kar liya, ठीक है। इसके बाद डेट लिखी जाती है कि किस डेट पे ये ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई, और ये भी लिखा हुआ होगा कि इस कंपनी में किस पार्टनर ने ऑडिट किया, द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी वाज डन बाय इस बंदे का नाम जो कि आपका पार्टनर है, ये लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो ऑडिट पार्टनर है वो अपनी साइन करेगा और इस पूरे कंपनी का ऑडिट खत्म हो गया। और इसी के साथ हमारी दो दिन की वर्कशॉप भी कंक्लूड होती है। ओके, थैंक यू इब्राहिम, बहुत ही प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव थी आपने जो कुछ भी शेयर किया यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच इब्राहिम, इट वॉज ऑनर फॉर अस कि आपने अपने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और आगे भी हम इब्राहिम की नॉलेज से फायदा उठाते रहेंगे और नए नए डोमेन्स की वर्कशॉप्स करवाते रहेंगे और इब्राहिम की एक्सपर्टीज से फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच इब्राहिम।
इंशाल्लाह मिस, थैंक यू सो मच, और बड़ा मजा आया मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस वर्कशॉप. और ये जो खुद मुख्तार का जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है वो आई एम श्योर उससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को. इससे लोग इंडिपेंडेंट होंगे, खुद मुख्तार होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे. तो वंस अगेन आई सल्यूट टू द इंटायर मैनेजमेंट एट नई सुबह हु इज़ वर्किंग फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेशली हु आर विजुअली इम्पेयर्ड. और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद भी यहाँ पे स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, और मेरी जो लाइफ में जो पॉजिटिविटी है और जो ब्लाइंडनेस के बाद जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इट वॉज बिकॉज ऑफ नई सुबह. तो मैं जितना आप लोगों को क्रेडिट दूँ और मैं जितना आप लोगों को थैंक्स करूँ तो वो कम है अल्हम्दुलिल्लाह से. तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस वर्कशॉप, और आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए, एंड थैंक यू सो मच.